स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फेमस इंग्लिश पोइट जॉन डन. एक फेमस नेम है इन लिटरेचर पोइटिक में और मेटाफिजिकल पोइट्स में. ही इज़ वेल नोन एज ए लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट. जॉन डन द इंग्लिश राइटर एंड एंग्लिकन क्लर्क जॉन डन इज कंसिडर्ड नाउ टू बी द प्रीमिनेंट metaphysical poet of his time. He was born in 1572 to Roman Catholic parents when practicing that religion was illegal in England. The जो आपके जॉन डन हैं 1572 में रोमन कैथोलिक पेरेंटों को जन्म लिया था जिस रिलीजन का पालन करना इंग्लैंड में इलीगल था. कॉज ऑफ इट, इनकी जो एजुकेशन है वो अनकम्प्लीट रही थी, इनको एजुकेशन गेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी. He was born in 1572 to Roman Catholic parents when practicing that religion was illegal in England. His work is distinguished by its emotional and sonic intensity and its capacity to plumb the paradoxes of faith, human and divine love, and the possibility of salvation. Donne has often employed consent and extend metaphors to yoke together heterogeneous ideas in the world of Samuelson. ये इनको बहुत heterogeneous ideas का मतलब है दो similar जो idea जो opposite आ रहे हैं, मतलब एक तरह से बिल्कुल आग और हवा, इस तरह से दो opposite जो ideas हैं उनको put करना, एक साथ में put करना ही heterogeneous ideas कहे जाते हैं. Samuel Johnson ने कहा thus generating the powerful ambiguity of for which he became famous after a resurgence in his popularity in the late 20th century. Dunn's standing as a great English poet and one of the greatest writer of the poet prose is now assured. तो इन द सेम वे वी कैन से दैट कि जॉन डन है इंग्लिश लिटरेचर का फेमस नेम है. मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उनके ये फाउंडर्स के नाम से भी जाने जाते हैं. ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है वो सैमुअल जॉनसन ने उनकी एक क्रिएशन थी मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसमें इसको उन्होंने नेम दिया था. 18th सेंचुरी के फेमस ये एसेसिस्ट थे, फिलोसोफर थे जॉन सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट के नेम दिया और उनका इनका फाउंडर बता. इस ग्रुप में जॉर्ज हर्बर्ट थे, एंड्रू मॉरवेल थे, जॉन क्लीवलैंड थे, क्रशा थे. तो ये अपनी मतलब इस तरह से इनकी एक एबिलिटी थी कि ये पैराडॉक्स आइडियाज़ को, एक अपोजिट आइडियाज़ को मिला के पोइम का जेनरेट करते थे. और ये इनकी जो पोइम की लैंग्वेज रहती थी उसका जो मीनिंग होता उसको समझना जो लोग होते हैं, जो रीडर्स हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो ऐसे लोगों को मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता. तो एक रहस्यनुमा किसी पोइम को लिखना इनकी पोइम में ज़्यादातर लव के बारे में, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इस तरह के लव के बारे में होती है, जो एक डिफरेंट तरीके का ही हिडन मीनिंग देती हैं. अब ये आपकी जो सिलेबस में जो बुक है उसमें जो इनका रेफरेंस, जो इंट्रोडक्शन दिया, हम उसी को डिस्कस करते हैं. जॉन डन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. He was born in a prosperous Catholic family of John and Elizabeth Heywood in 1572. He was admitted in Oxford University at the age of 11 and later moved to Cambridge. But he couldn't complete his degree due to his Catholic faith, as Catholics were subject to severe persecution at that time. He became a member of Parliament in 1601 and married Annie Moore. द सेम ईयर. ये एनी मोर जो उनका नाम है, इनकी जो वाइफ का नाम है, इस बुक को उन्होंने बहुत सारी पोइम डेडिकेट किए, इसलिए इस नाम को तो आप अच्छे से याद कर लो. ही रिनाउंस हिज फेथ एंड कन्वर्टेड टू एग्लिकनिज्म व्हेन वर्किंग एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड. ही कुड विन द रॉयल फेवर ओनली आफ्टर राइटिंग ए पोलेमिक प्रोज Shudo Mata and was appointed royal champion later on. He lost his wife in 1617 and the phase of writing love poetry was over. He devoted himself to religious subject. In 1621 he became the dean of St. Paul's Cathedral. He breathed his last on 31st March 1630.
वन को इन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ ली थी, अपने लास्ट इनका वो था। एज ए पोइट जॉन डन इज नोन फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। He is known as the leader and founder of this school. Most of his work centers around the theme of love, religious theme. Can also be traced in later poem. Dunn has used simple and colloquial language in his poetry, deriving images from math and legends as well as the contemporary science, commerce and trade. As a poet, he has tried his hands on various genres of poetry like lyrics, sonnets, elegies, satires, verse letters. और एफिथेलमस होता है मैरिज से रिलेटेड जो पोइम्स लिखी जाती हैं। हिज सॉन्ग एंड सोनेट इज अ कलेक्शन ऑफ 55 लिरिक्स रिटन इन वेरियस मीटर्स। देन वी कैन से दैट कि जो जॉन डन है उनकी राइटिंग जो स्टाइल है वो अलग तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही इन कॉमन जो वर्ड हैं उनको कंपेयर करके, उनको कंपोज करके एक पोएम के वो कंपोज करते हैं, पोएम को राइट करते हैं। तो वो उनका जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी थीम होती है, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसको जो मीनिंग है उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इनकी पोएमों की सबसे खासियत बात है। इन्होंने पहले लव सोनेट्स लिखते हैं, फिर हॉरिजॉन्ट्स पे चले जाते हैं। इस तरह से इन्होंने वेरियस वेरियस जो टाइप्स की अपने क्रिएशंस किए अपनी लाइफ में, और मेटाफिजिकल पोएटों के फाउंडर के तौर पे ये वेल नोन है।